नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूं आशा अहमद। ईद कुर्बान पे छुरियों को तेज रखना भी एक मसला होता है, तो छुरी को तेज करने के लिए कप को उल्टा कर लें और उसके बाद छुरी की धार को कप के ऊपर फेरें। इस तरह आपकी छुरी तेज हो जाएगी। अक्सर गोश्त को साफ करने से छुरियों की धार खराब हो जाती है, तो आप इसको कप के पीछे अच्छी तरह से धार को दोनों जानिब से फेरकर तेज कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त की बोटियों को अगर आपने कीमा करना है तो इसके लिए गोश्त की बोटियों को फ्रीज़र में रख कर स्लाइटली सा फ्रीज कर लें। इसमें हल्का सा गोश्त नरम भी होना चाहिए और हल्का सा सख्त भी। ऐसे गोश्त से आप बआसानी कीमा तैयार कर सकते हैं और आपका ब्लेंडर भी देर तक ठीक रहेगा। इस तरह के गोश्त का कीमा बनाने से ब्लेंडर कभी ख़राब नहीं होता और ना ही ब्लेंडर की धार ख़राब होती है। तो आइंदा जब भी आपको कीमा तैयार करना हो, बोटियों को ला के वॉश कर लें और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख के स्लाइटली सा फ्रीज कर लें और उसके बाद इसको ब्लेंडराइज करें। चाहे कीमा बनाना हो, कोफ्ते बनाने हो, बआसानी घर में कीमा और कोफ्ते तैयार करें। छुरियों की धार खराब ना होने के लिए छुरियों को धोकर हमेशा अलग-अलग रखें, तमाम बर्तनों के साथ मिलाकर ना रखिएगा। छुरियों को अलग-अलग रखने से उसकी धार ठीक रहती है। अब तक के लिए इतना ही। अगली टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।